मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आज आरंग खान की जमानत पर फिर सुनवाई शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में मुंबई के सेशन कोर्ट में आरंग की बेल पर सुनवाई होगी। कल आरंग खान की जमानत पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। एनसीबी ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि आरंग के पास कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन वो ड्रग्स पेडलर के संपर्क में थे। ये एक बड़ी साजिश है, इसकी जांच जरूरी है। एनसीबी ने मामले में इंटरनेशनल चेन की बात भी कही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मशहूर अभिनेत्री नोरा फतेही पर ईडी का शिकंजा कस गया है। नोरा फतेही को ईडी ने समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया है। नोरा फतेही को सुकेश चंद्रशेखर केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 200 करोड़ रुपए के हेरफेर का मामला है। गृह मंत्रालय ने बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ को नई ताकत दी है। बीएसएफ को सरहदी राज्यों में गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की अतिरिक्त शक्तियां दी गई। ये अधिकार बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर अंदर तक के लिए होंगे। पहले ये दायरा 15 किलोमीटर तक का था। एनआईए ने कश्मीर में 16 जगहों पर छापे कर आतंकियों का साथ देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर घाटी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, टीआरएफ, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के आतंकियों को सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की रिमांड का आज आखिरी दिन है। आज पुलिस पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन करवा सकती है। घटना के आरोपी अंकित, शेखर और लतीफ तीनों पुलिस रिमांड पर हैं। लखीमपुर खीरी केस में फॉर्च्यून गाड़ी के मालिक आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित दास की भी गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद 5 घंटे तक अंकित के साथ पूछताछ की गई। अब 22 अक्टूबर तक जेल में रहेगा अंकित दास। प्रयागराज में कांग्रेस के पोस्टर में वरुण गांधी की तस्वीर लगाने पर एक्शन लिया गया है। कांग्रेस ने पोस्टर लगाने वाले नेता को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले कांग्रेस के पोस्टर में वरुण और सोनिया गांधी को साथ में दिखाया गया था। सावरकर को लेकर चल रहे विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, कहा वीर सावरकर के बारे में जो भी भूमिका बीजेपी और आरएसएस को लेनी है वो ले, लेकिन शिवसेना की जो भूमिका शुरू से रही है वही रहेगी। वीर सावरकर हमारे आदर्श रहे हैं और आगे भी रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के दौरे पर जा रहे हैं। वो वहां पर फॉरेंसिक कॉलेज और लॉ कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। गोवा में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत को आज 3 और राफेल विमान मिलने वाले हैं। ये विमान फ्रांस से आज भारत में जामनगर एयरबेस पहुंचेंगे। इसके साथ ही भारत के पास मौजूद राफेल विमानों की संख्या 29 हो जाएगी। सितंबर 2019 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया था, जिसमें से बचे हुए विमान अगले साल तक मिलेंगे। बंगाल की खाड़ी में चल रहे क्वाड देशों के मालाबार नौसैनिक अभ्यास के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। इस दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जंगी जहाजों के साथ भारतीय नौसेना भी दम दिखा रही है। यह अभ्यास 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत कार्ल विजन को तैनात किया है, जो परमाणु शक्ति से लैस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। वो आज सिंधु दर्शन पूजा करेंगे और उधमपुर में सेना के जवानों से मिलेंगे। राष्ट्रपति कल द्रास जाएंगे, जहां वो कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। लद्दाख में क्लास 9 से 12 के लिए आज से सभी स्कूल फिर से खुल गए हैं। कई छात्रों को कोरोना होने के कारण 18 सितंबर को स्कूल बंद कर दिए गए थे। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा चुके छात्रों को ही कॉलेज में आने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने ये जानकारी दी है। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा की भी बात कही जा रही है। आज नवरात्र का अंतिम दिन है। महानवमी के अवसर पर आज माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जा रही है। माँ दुर्गा के दर्शनों के लिए मंदिरों में सुबह से भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही आरती और पूजा आराधना की जा रही है। दिल्ली के सिद्ध मंदिर झंडेवालान में इस अवसर पर खास पूजा आराधना भी की गई। वाराणसी के प्राचीन सिद्ध माता मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की गई है। मैदागिन गोलघर इलाके में
स्थित सिद्ध माता मंदिर में मां सिद्धिदात्री के रूप ही विराजती हैं और मान्यता ये है कि नवरात्र में जो भक्त देवी दरबार में दर्शन नहीं कर पाते हैं वो नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री के दर्शन कर ले, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। सूरत में नवरात्र के मौके पर वराछा इलाके में स्थित उमिया धाम मंदिर में महाआरती का भव्य नजारा दिखाई दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए और मंदिर परिसर दीपों की रोशनी के साथ जगमगा उठा। कोरोना संकट के कारण 2 साल से ऐसी रौनक देखने को नहीं मिली। नवरात्र के मौके पर कोलकाता समेत पूरे बंगाल में शानदार तरीके के साथ सजे पंडालों को देखने के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। हालांकि आम लोगों को पंडालों के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लोग दूर दूर से ही पंडालों की भव्य झलक रहे हैं और मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान दिल्ली की लवकुश रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक तरीके के साथ मंचन किया जा रहा है। लाल किले के पास हो रहे इस रामलीला में कलाकारों की शानदार एक्टिंग के साथ साथ भव्य तरीके के साथ दृश्यों को पेश किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ 10 देशों के राजदूत भी यहां रामकथा देखने के लिए पहुंचे। आईपीएल का खिताब जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला कल महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। ये तीसरा मौका है जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फाइनल में पहुंची है। इसके पहले 2012 और 2014 में कोलकाता की टीम फाइनल में पहुंची थी और दोनों ही बार खिताब हासिल किया था। 2020 वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च की है। अभी टीम इंडिया की 2020 जर्सी नेवी ब्लू रंग की है। इसी तरह की जर्सी 1992 में विश्व कप में टीम इंडिया ने पहनी थी। नई जर्सी भी नेवी ब्लू रंग की ही है। ये भी कुछ कुछ 1992 विश्व कप की जर्सी की तरह मिलती जुलती है। भारतीय टीम 2020 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। ये मुकाबला दुबई में होगा। भारतीय टीम को ग्रुप बी में रखा गया है। भारत का दूसरा मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। 2020 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। शानदार फॉर्म में चल रहे शार्दुल ठाकुर को 15 सदस्यों टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि पहले से ही शामिल अक्षर पटेल को अब रिजर्व प्लेयर्स की लिस्ट में डाला गया है। पाकिस्तान के साथ भारत के महामुकाबले से पहले एक नया एड जारी हुआ है। इस विज्ञापन में पाकिस्तान को फिर वर्ल्ड कप में हार के उसके रिकॉर्ड की याद दिलाई गई है।